खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में अगर आम ना खाएं तो मजा ही नहीं आता है। ढेर सारे आम होने चाहिए, आम का बाग होना चाहिए और फिर क्या है। वैसे आम का बाग हो और कहीं नदी किनारे घर हो तो उसके बाद खाना बनाने की थोड़ी सोचेंगे, उसके बाद आराम सोचेंगे, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। तो एक काम करते हैं, आम से बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे और शुरुआत करते हैं चीज़ केक से, मैंगो चीज़ केक। मैंगो चीज़ केक के लिए आम अपनी पसंद के लिए मैं अल्फांसो लेता हूँ, हापुस लेता हूँ और हापुस आम का प्यूरे। इसके लिए बिस्किट चाहिए, बिस्किट को क्रश करना है। तो ये बिस्किट आप अपनी पसंद के लिए, जो भी आपके पास बिस्किट हो, चॉकलेट वाले हो, कोई भी, जी हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, नमकीन मत लीजिएगा। और फिर उसे क्रश कर लें, कपड़े में डाल के क्रश करें, मिक्सी में क्रश करें, बेलन से करें, पत्थर से करें, हाथ से करें, कैसे भी करें आपकी मर्ज़ी है। क्रश करने के बाद इसमें मिक्स करना है मक्खन। मक्खन को मेल्ट करके ये लीजिए, इसके अंदर ये बिस्किट कर लिया मिक्स। और अब एक इस तरह का आप टिन ले लें, स्प्रिंग फॉर्म, जो ये खुल जाए अलग अलग। ये ले लिया बिस्किट और अब इसको फैला दिया। फैलाने के बाद जरा दबा दें अच्छी तरह से और अब इसे रख दें थोड़ा चिल करने के लिए, ठंडा करने के लिए। या ये मेरी अलमारी जो है, ये फ्रिज है। और अब आप क्या करना है, आम का प्यूरे हुआ हुआ है, अंडे और एक वाइट, दोनों ये जो मैंगो चीज़ केक हम बना रहे हैं बेक करेंगे इसे। और ट्रेडिशनली जब बनाते हैं तो एक योक को अलग, एक वाइट को अलग, लेकिन यहाँ पर मैं दोनों चीज़ें साथ में, और इसे फेंट लेते हैं। इसमें चीनी, अब चीज़ केक है तो चीज़ चाहिए, क्रीम चीज़ आप लें, क्रीम चीज़। और अब इसमें ये मैंगो पल्प, ये और क्योंकि इसे बेक करना है और बेक करके अच्छी तरह से पके तो उसके लिए ज़रूरी है इसमें अंडा डालना। तो ये जो अंडा हमने फेंटा हुआ है ये इसके अंदर, ये इसमें कर दिया मिक्स। अब ये जो है ले लें आप और इसको डालते हैं इसमें। इसको अब हम रखेंगे बेक करने के लिए, लेकिन एक काम करता हूँ, उससे पहले थोड़ा आम इसमें डाल देता हूँ, आम के पीसेस। और अब इसे रख देते हैं हम बेक करने के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर, और इसको पकने में करीब 40 मिनट लगेंगे। आप ध्यान रखें कि ये सेट हो जाना चाहिए। सेट हो के थोड़ा सा, कई बार इसमें क्रैक्स आते हैं, श्रिंक होता है ये थोड़ा सा, घबराने की बात नहीं है। जब ये हो जाए उसके बाद इसको चिल कर लें, ठंडा करें। ठंडा करने के बाद थोड़ा और काम है। ये मेरे पास एक पैन और उसके साथ साथ ये है मैंगो जेली। ये जो मैंगो जेली है पका लें, ये मैंगो जेली ये लें थोड़ी गाढ़ी बना के, इसको बिना मोल्ड में से निकालें, थोड़ा सा इसे ठंडा करें, एकदम गरम गरम ना डालें। जैसे हल्की ये रूम टेम्परेचर पे आएगी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाएगी, उस समय आप चिल्ड मैंगो चीज़ केक के ऊपर इसे डालें और फिर रख दें फ्रिज के अंदर करीब एक घंटे के लिए। आप देखेंगे ऊपर मैंगो जेली की लेयर एकदम बढ़िया शाइनिंग, चाहे तो ऊपर से मैंगो और रख सकते हैं। तैयार हो गया मैंगो चीज़ केक। जी हाँ, जेली तैयार है लेकिन वो पकेगा, ठंडा होगा, फिर जाके तैयार होगा मैंगो चीज़ केक। लेकिन सब कुछ आपको पता चल चुका है, ये बेक हो रहा है, सजाना आपके ऊपर है, कैसे सजाते हैं, खाएं कितना खाएंगे, इतना इतना इतना, मैंगो कितने भी महंगे हों लेकिन हमेशा दिल करता है ढेर सारे खाए जाएं, ढेर सारे खाइए, लेकिन जेब का ख्याल रखें।
नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका एक रिकैप। बेक मैंगो चीज केक के लिए हमें चाहिए 20 से 25 डाइजेस्टिव या अरारूट के बिस्किट कुटे हुए, आधा कप पिघला हुआ मक्खन, 3 अंडे, आधा कप चीनी पिसी हुई, 1.5 कप क्रीम चीज, आधा कप मैंगो पल्प, आधा कप आम छोटे क्यूब्स में कटा हुआ और 2 बड़े चम्मच मैंगो जेली क्रिस्टल्स। इस चीज केक को बनाने के लिए एक बोल में कुटे हुए बिस्किट और मक्खन डालकर मिक्स कर लें और इसे स्प्रिंग बॉटम टिन में फैला लें और दबाकर रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए रख दें। अंडों को तोड़कर इसमें चीनी डालकर इसे अच्छी तरह से फेंट लें। अब एक बोल में क्रीम चीज में मैंगो पल्प डालकर मिलाएं, इसके साथ इसमें फिटे हुए अंडे डालकर मिला लें और इस मिक्सचर को बिस्किट बेस के ऊपर डालकर फैला दें। अब इसके ऊपर आम के टुकड़े डालें और इसे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर करीब 40 मिनट या तब तक पकाएं जब तक पूरी तरह से बेक ना हो जाए और सेट ना हो जाए। इसके बाद इसे निकाल कर थोड़ा ठंडा करें और इसे रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए रख दें। 1 कप पानी गर्म करके इसमें मैंगो जेली क्रिस्टल डालकर इसे घुलने तक पकाएं और इसे थोड़ा ठंडा करके ठंडे चीज केक के ऊपर डालें और रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए रखें और जब ये सेट हो जाए तो इसके पीसेस काट कर इसे सर्व करें। वेलकम बैक, खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई गर्मियों में मैंगो के साथ में मस्ती कर रहे हैं तो मैंगो मेनिया, मैंगो मस्ती के लिए ढेर सारे आम ले लें, आम का बाग खरीदें। आप चाहे मलयाबाद में हो, मतलब वहाँ के आम तो बहुत फेमस होते ही हैं। कौन से आम होते हैं वहाँ के होते हैं दशहरी, बनारस में मिलता है लंगड़ा, लेकिन लंगड़ा बाद में मिलता है, सबसे पहले अल्फांसो मिलता है, साउथ में अलग मिलता है, बेगमपल्ली मिलता है, तरह तरह के आम होते हैं। फिलीपींस में जाएं वहाँ पे अलग आम होते हैं, लेकिन ठंडी जगहों पे आम नहीं मिलते, आम होते हैं ट्रॉपिकल फ्रूट। अब गर्मियों का मौसम, गर्म फल, तो चीज़ बननी चाहिए कुछ ठंडी। तो एक काम करते हैं, मैंगो को थोड़ा जमाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जमाएंगे, ना कुल्फ़ी ना आइसक्रीम, घरेलू चीज़। करना क्या है, क्रीम ले लेते हैं, फ्रेश क्रीम, और उसको चिल कर लें। मैंने थोड़ी जो क्रीम है उसको फ्रीज़र में रखा हुआ है थोड़ा चिल करने के लिए। तो ये फ्रेश क्रीम ये ले ली और इस फ्रेश क्रीम को क्या करना है, इसे हम फेंटेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, इसे फेंटेंगे चीनी के साथ। तो ये चीनी, ये मेरे पास पिसी हुई चीनी है, चलेगी, और फिर इसे फेंट लेते हैं ये क्रीम। अच्छा, क्रीम फेंटने से क्या होगा भाई, क्रीम फेंटने से थोड़ी ये हल्की हो जाएगी, इसकी एरिएशन करनी है हमने। ये जो मैंगो जेली है इसको डालेंगे इसके अंदर और मैंगो जेली को मिक्स कर लेते हैं इस क्रीम के साथ। अब इसके अंदर ये मैंगो पल्प डाल के इसे मिक्स करें और अब ये लीजिए, ये मेरे पास मफिन मोल्ड है, नॉनस्टिक मफिन मोल्ड, इसके अंदर ये लीजिए। अगर आप इसको थोड़ा और क्रीमी बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना चाहते हैं, तो एक काम आप कर सकते हैं और वो है कि आप इसमें डालें मिल्क पाउडर। जी हाँ, होल मिल्क पाउडर, स्किम्ड वाला नहीं। तो ये मिल्क पाउडर, हाँ ये थोड़ा ज़्यादा है, ये मिल्क पाउडर, और इसे कर दिया मिक्स। और फिर ये मेरे पास जो मफिन मोल्ड हैं ये देखिए, इसको फ्रीज करें आप और अब इसे रख दें आप फ्रीजर में। तो जरा ये ले लिया और अब ये लीजिए, ये गया फ्रीजर के अंदर और जब ये फ्रीज हो जाए फिर इसका आप मजा लें एकदम बढ़िया से, लेकिन ज्यादा फ्रीज ना करें इसे। जी हाँ, ओवर फ्रीज करने से क्या होगा,
इसमें जो आइसिकल्स हैं वो जम जाएंगी। तो इसका मतलब है जब भी आपने इसे परोसना हो, जब सर्व करना हो, उससे पहले आपके फ्रीजर के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं तो 2 से 3 घंटे फ्रीज करें। और इसको आप इस तरह से खाना चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। इतना बड़ा चम्मच से कोई खाता है क्या? ना। आम ही एक ऐसा फल है जो मजबूर कर देता है ऐसे बड़े चम्मच से खाने से। शुक्र है वो बाल्टी में नहीं था। आप क्या देख रहे हैं? नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। फ्रोजन मैंगो डेजर्ट के लिए हमें चाहिए 1 कप आम का पल्प, 1 कप फ्रेश क्रीम, 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी, 3 बड़े चम्मच मैंगो जेली और 3 बड़े चम्मच होल मिल्क पाउडर। इसे बनाने के लिए एक बोल में क्रीम और पिसी हुई चीनी डालकर फेंट लें। इसके साथ मैंगो जेली, मैंगो पल्प और इसके साथ इसमें डालें होल मिल्क पाउडर। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएं। इस मिक्सर को किसी नॉन स्टिक मोड में डालें और इसे रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रखें और जमने के बाद फिर निकाल कर तुरंत सर्व करें। वेलकम बैक खाना खजाना में। एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक और मैंगो की रेसिपी और मीठी रेसिपी, ढेर सारे आम और उसके साथ में एक ऐसी रेसिपी है जो ट्रेडिशनल रेसिपी है लेकिन फटाफट बनने वाली। ये है मैंगो आम की भापा दोई, जी हाँ, स्टीम्ड दही और वो भी आम के साथ बनी हुई। चलिए आप मेरे साथ बने रहें, आम आपके साथ बने रहेंगे। ये चाकू के साथ में पिस्ता, पिस्ते का थोड़ा कत्ल किया जाए। ये पिस्ते ब्लांच किए हुए, ये पिस्ते हो गए, बस थोड़े से बिना कटे। रेसिपी ऐसी होती है, मतलब सारे काटने में समय कितना जाएगा। अच्छा, अब ये कंडेंस्ड मिल्क 1 टिन। ओहो, ये एक ऐसी चीज है कि जो आपको पसंद हो तो बस इसको आप ऐसे ही चाट सकते हैं और बाकी जितनी रेसिपीज़ हैं वो ना भी बनाएं तो चलेगा। और अब इसके अंदर दही, अच्छा दही जितनी गाढ़ी होगी उतना अच्छा। ये दही और उसके साथ साथ इसमें मैंगो पल्प, सो 1 टिन मैंगो पल्प और इसके साथ साथ इसमें दूध, ये सारी चीजें मिक्स कर लेते हैं। ये हो गया तैयार। और अब यदि आप चाहें तो इसमें आम भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास आम है तो थोड़ा सा आम डाल ही लेते हैं, क्यों ना डालें। भाई मैंगो पल्प की अपनी बात है लेकिन मैंगो के जो पीसेस हैं उसकी अपनी। तो ये आम इस तरह से काट लिया छोटे पीसेस में और छोटे छोटे पीसेस चॉप करके इसके अंदर, और उसके बाद एक कंटेनर ले लें जिसमें इसे पकाया जाएगा, उसके अंदर डालें इसे। ये लीजिए, और अब इसे पकाने के लिए एक प्रेशर कुकर में या स्टीमर में थोड़ा पानी डालें। पानी डला है, थोड़ा सा और पानी इसमें रखा हुआ है, ये कंटेनर में डाल दिया है। पिस्ता, कटा हुआ पिस्ता, और ये जो दूसरा वाला पिस्ता है जिसको काटने की पेशेंस नहीं थी मुझ में, वो भी इसके अंदर। और अब इसे ढक दें। ढकने के लिए एल्युमिनियम फॉइल, इसको ढक दें अच्छी तरह से ताकि इसमें कुछ पानी वानी ना जाए। ये ढक दिया इसे हमने, अब इसे रख दें पकने के लिए। इसको स्टीम करें, स्टीम करने के लिए करीब 20 से 25 मिनट लगेंगे। अच्छा, अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसको पकाएं मीडियम हीट के ऊपर और 20 से 25 मिनट में ये सेट हो जाएगा। बंद करें, चिल करें
जी ठंडा करके फिर आप निकालेंगे, देखेंगे एकदम सेट हो जाएगा और बढ़िया सा बनेगा भापा दोई आम के साथ में। और ये जो बचा हुआ आम है इसको छील के जो आम है उसको आप प्यूरे करके खाएं, ऐसे ही खाएं, कैसे भी खाएं, लेकिन जो बिखली है उसको आप कहीं लगा दें, दबाएं और फिर उसमें पानी दें कुछ साल, ताकि वो बने आम का पेड़। ऐसा क्यों भाई? देखिए, आम खा लिया, अब जो गुठली है उसे थोड़े फेंक देंगे, क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है, आम के आम गुठलियों के दाम, तो गुठली वेस्ट थोड़ी करेंगे। तो गुठली से पेड़ बनाएं, फिर उसमें जो आम निकले वो खाएं, फिर गुठली फिर लगाएं, आम के आम गुठलियों के दाम। नोट करें इसके इंग्रीडियंट्स, उसके बाद इसका एग्री क्या। भापा दोई विद मैंगो के लिए हमें चाहिए एक टिन यानी करीब 400 ग्राम कंडेंस मिल्क, एक कप दही फिटी हुई, आधा कप मैंगो पल्प, आधा कप दूध, आधा कप आम बारीक कटे हुए और 15 पिस्ते ब्लांच किए और स्लाइस किए हुए। इसे बनाने के लिए कंडेंस मिल्क में दही, मैंगो पल्प और दूध डालकर मिला लें। इस मिक्सचर को एक स्टीमर के कंटेनर में डालें और इसे एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करके इसे स्टीमर में करीब 20 से 25 मिनट तक स्टीम करें और इसे ठंडा करके रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रखें और ठंडा ठंडा सर्व करें। हिंदी में एक कहावत है, जिसका खाएं उसी का गाएं। सच, आम के पेड़ पर लगा फल खाकर आदमी आम चोर हो जाता है। फिर जैसे झूठा आदमी कसमे और कामचोर नौकर गालियां खाते हैं, उसी तरह आम के दीवाने आम खाते हैं। आम में विटामिन ए, विटामिन बी, सी और कैल्शियम काफी पाया जाता है। हमारे देश में ही करीब 500 किस्में हैं आम की। अब इनमें से सबसे ज्यादा स्वादिष्ट कौन सा है, उसके लिए तो बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। हाँ, हाफूस यानी अल्फांजो दिखने में तो काफी अच्छा होता ही है, मुझे भी काफी पसंद है आम फलों का राजा। और अब बारी है आज की टिप की। भाई जब आम सीजन में नहीं होता तो कैन में से मैंगो प्यूरी आराम से निकल आती है, लेकिन सीजन में मैंगो प्यूरी बनाना हो तो बड़ा सिंपल है। आम ले लें एकदम पके हुए राइप मैंगोस, इसे छील कर इसकी प्यूरी बना लें मिक्सर के अंदर और फिर अगर मिठास में कमी है तो चीनी डालें, नहीं तो इसी तरह से प्यूरी को रेफ्रिजरेटर में रखें और आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल करें, चाहें तो फ्रीज भी कर सकते हैं। भाई मैंगो मेनिया, मैंगो मस्ती, बस आज इतना ही। और अगर आपको ढेर सारे आम खाने हैं तो उसके लिए अपना लाइफस्टाइल करें बढ़िया, क्योंकि मैंगो जो हैं, आम जो हैं, काफ़ी कैलोरीज होती हैं, मीठे होते हैं, डॉक्टर मना भी कर सकते हैं, तो डॉक्टर की बात माने और अगर नहीं मानेंगे तो अच्छी बात नहीं है, आप ज़रूर माने, लेकिन लाइफस्टाइल रखें अच्छा और आप खाएं ढेर सारे आम।